अब कार्य बहुत बड़ा है, लक्ष्य बहुत बड़ा है, और उस लक्ष्य के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। और तैयारी के लिए आपको आगाह तो कई बार किया गया, कई बार उसके लिए आपको तैयारी के लिए बोला गया, लेकिन अब तैयारी मूर्त रूप से दिखनी चाहिए। जब भी बैठक होती है तो लक्ष्य दे दिया जाता है आपको, 7 दिन में, आपको 15 दिन में, आपको ये 1 महीने में कार्य करना है। तो भाई अब वक्त आपको कई बार दिया जा चुका है, अब यह है कि अब विद इन 7 डेज आपके पास में बोल दिया गया था कि ये इन्वेस्टमेंट होना ही चाहिए आपका, ये इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, इतने इसके इतना गोदाम, इतने सेल्समैन, इतने व्हीकल्स, इतने आपके पास में जो टेक्निकल सपोर्ट आपकी, ये सारे के सारे आपके पास में सुविधाएं, संसाधन सब होनी चाहिए। तो इसमें कोई बार बार कहने की आवश्यकता नहीं, आपको पूरा उसमें जो आप आज आपको बताया जा रहा है कि आपका इन्वेस्टमेंट, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वॉल्वमेंट आपका इस तरह से होना चाहिए, तो ये तो बहुत बार बताया जा चुका है। अब जो एक अब देखो, मैं बहुत अग्रेसिवली भी कह रहा हूँ और बहुत प्रेम से भी कह रहा हूँ। अग्रेसिवली इसलिए कह रहा हूँ कि कमजोर योद्धाओं से कभी बड़ी लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, ये हमारी एक बहुत बड़ी आर्थिक लड़ाई है, एक बहुत बड़ा आर्थिक युद्ध है, एक बहुत बड़ा धर्म युद्ध है, बड़े बड़ी साम्राज्यवादी ताकतों के खिलाफ यह आर्थिक आजादी की जंग है। और इसलिए मैंने कहा कि मैं अग्रेसिवली भी कहना चाहता हूं, और क्योंकि आपके साथ हमारी बहुत गहरी आत्मीय प्रीति है इसलिए बहुत प्रेम से भी कहना चाहता हूं। आप मेरे से एक बात बताओ, हमारी जल सेना यदि प्रशिक्षित ना हो, उसके पास पूरे हथियार ना हो, उसके पास पूरा गोला बारूद ना हो, उसके पास टैंक ना हो, उसके पास मिसाइल ना हो, उसके पास में पूरे युद्ध लड़ने की सारी तैयारी ना हो, युद्ध लड़ने का कौशल ना हो, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, फौज में लड़ने वाले अलग होते हैं, उनको रसद भेजने वाले अलग होते हैं और पूरे स्ट्रेटेजी बनाने वाले अलग होते हैं, हमारी यदि थल सेना आसमान से वार करने वाली, प्रहार करने वाली हमारी एयरफोर्स वायुसेना और जल से दुश्मन के ऊपर वार प्रहार करके उसको पराजित करने का सामर्थ्य रखने वाली हमारी जल सेना, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी यदि हमारी स्ट्रांग ना हो तो क्या हम अपने दुश्मन के साथ युद्ध में विजयी हो सकते हैं? जोर से तो बोलो। तो इसका मतलब आपको कोई भी युद्ध जीतना हो तो आपके योद्धा कैसे होने चाहिए? तो फिर इतना धीरे से क्यों बोल रहे हो? मैं उत्तर प्रदेश में हूँ भाई, यह तो योद्धाओं की भूमि है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भूमि है, ये तो योगेश्वर भगवान कृष्ण की भूमि है, ये तो भगवान शिव की भूमि है और कोटि कोटि ऋषमुनियों की भूमि है। उत्तर प्रदेश के नाम पर लोग पता नहीं क्या क्या बकते रहते हैं। मैंने कहा भाई, शासन किसी का भी हो, जब तक जीवन में अनुशासन नहीं होगा, योग का अनुशासन नहीं होगा, तो शासन के ऊपर दोष मत दो, अपने जीवन में अनुशासन लेकर के आओ। हम अपने आप को कोसते रहते हैं और कह जाए ये ठीक नहीं है। तो मैं ये मानूं कि हमारे सारे योद्धा उत्तर प्रदेश से लेकर के और उत्तराखंड वाले भी हैं, तो मैं आपकी तरफ से ऐसा अपने आप को, स्वयं को यह आश्वासन दे सकता हूँ कि हमारे योद्धा सब मजबूती से इस आर्थिक आज़ादी की जंग को लड़ेंगे। पक्का? अच्छा, कुछ तो बड़ी जोश से हाथ उठा रहे हैं, कुछ तो हाथ नीचे बांध के बैठे हैं साहब, ये तो अच्छी जंग में फंस गए। ये सच में एक बहुत बड़ा आर्थिक आज़ादी का युद्ध है। और देखो, हमने इसी इसी संकल्प के साथ इस स्वदेशी के अभियान को शुरू किया हुआ है, ये हमारे लिए एक वार है। ऐसे भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इसको इकोनॉमिक वार कहते हैं, और हमारे लिए वो उन जैसा इकोनॉमिक वार नहीं है, हमारे लिए ये धर्म युद्ध है, हमारे लिए देश की आर्थिक आज़ादी का ये अभियान है।
कि 70 सालों से ज़्यादा बीत गया इस देश को राजनीतिक आज़ादी मिले, अब हमको आर्थिक आज़ादी दिलानी है और विदेशी कंपनियों की आर्थिक लूट और षड्यंत्र से इस देश को बचाना, ये है बड़ा देश। अब 10,000 करोड़ इसी में बहुत लोगों को पसीने छूट रहे हैं, 50,000 करोड़ करने के लिए तो आप आज जितना आपने निवेश किया हुआ उससे 10 गुना ज़्यादा निवेश करना पड़ेगा। 5,000 करोड़ का पिछले साल का टर्नओवर था, 50,000 करोड़ करने के लिए आपको कितना निवेश करना पड़ेगा अब जितना किया हुआ उससे? 10 गुना। जोर से बोलिए, यह अमाउंट पता है आपके आपके खाते में कितना आता है? पचास हजार करोड़ यदि टोटलिटी में, यदि मैं कहता हूं अभी 4,500 हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हम चलो चिकित्सालय वाले भी जोड़ लेते हैं उसके अंदर सब, 5,000 गिन लो, चलो सारे और गिन लो 6,000 गिन लो। अब इसमें कुछ तहसील लेवल के भी हैं, कुछ जिले के भी हैं, लेकिन एक जिले 5,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स तो क्योंकि 5,000 होंगे, बाकी चिकित्सालय आरोग्य केंद्र होता है एक्स्ट्रा में गिन लो सब, वो भी बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। अभी आयुर्वेद की भी नई नई औषधियों का अनुसंधान और जो पुरानी औषधियाँ बनी हुई उनके ऊपर और ज़्यादा क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल का काम और मीडिया के माध्यम से भी उसका व्यापक प्रचार प्रसार का बहुत बड़ा सारा काम होना है। 5,000 हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स मान लो, और 50,000 करोड़ को 5,000 जगह डिवाइड करो तो कितना आता है एक हिस्से में? 10 करोड़। ये टोटलिटी में आया, एक महीने में आपको 80 लाख, और आपको कम से कम 50 लाख रुपए का एवरेज, कम से कम बता रहा हूँ उसको, ये तो उसकी पूरे टर्म्स आपको बताइए कि ROE क्या होता है, फलाना क्या होता है, सारे मैनेजमेंट के और सारे बिजनेस के सारे उसके फॉर्मुलेशन ये सब बताए हैं आपको। आपको तहसील में करीब छोटी सी छोटी तहसील भी है, अब छोटी बहुत ही छोटी है तो वहाँ एक एक आदमी चार चार वर्टिकल लेके बैठा हुआ है, उसको भी कम से कम 2 विभाग करने पड़ेंगे। एक छोटी तहसील में भी आप बैठे हुए तो कम से कम 15 लाख, 4 वर्टिकल लेके बैठे हैं तो कम से कम 25 लाख, छोटा सा एक शहर का भी एरिया लेकर के बैठे हैं जहाँ 400-500 दुकानें तो भी आपको कम से कम 25 लाख, और उसमें जो है परचेजिंग पावर उन लोगों की ज़्यादा है तो करीब 50 लाख। अब 50 लाख का जो है कम से कम एक इन्वेंट्री आपको इतनी रखनी पड़ेगी, और उस इन्वेंट्री को फिर मेंटेन करने के लिए आगे बाजार में उधार देने के लिए उस पूरे जो है आर्थिक चक्र को चलाने के लिए आपको 50 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक। अभी भी हमारे बहुत से ऐसे भाई हैं देश में, करीब 100 हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं जिन्होंने 1-1 करोड़ रुपए, 2-2, किसी किसी ने तो 3-3 करोड़ रुपए एक एक डिस्ट्रीब्यूटर से ने लगाए हुए। हमारे कुछ SDs भी यहाँ पर हैं, हमारे CNF वाले भी, हमारे बहुत से SDs 3-3, 4-4 करोड़ का करते हैं, एक एक डिस्ट्रीब्यूटर हमारा 3-3 करोड़ का करने वाले दिल्ली में बैठा है। अभी हम गुजरात से आ रहे, गुजरात में बैठे हैं, इधर मध्य प्रदेश में है, यहाँ उत्तर प्रदेश में भी 1-2 जरूर होंगे जो 1 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस करते हैं। कोई तो 5-10 लाख का भी महीने का करते हैं तो कहते हैं हमने बहुत कर दिया, हमने हमारे तहसील में तो बहुत पिछड़े हुए इलाका है। अरे तुम्हारी तहसील में 25 गांव हैं, 50 गांव हैं, उनको कौन देखेगा भाई? थोड़ा सा हौसला कीजिए, अभी तहसील वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स को गाँव के एरिया को भी अलॉट किया जाएगा और उन गांव में भी डिस्ट्रीब्यूशन आप बढ़ाएंगे, और तहसील वाले जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके लिए कुछ अतिरिक्त सुविधाएं और संसाधन क्या दे सकते हैं उसके ऊपर भी हम और विचार करेंगे, आपको बड़ा काम करके दिखाना। तहसील वालों के लिए भी बहुत संभावना है, क्या दिक्कत है? बहुत लोगों ने शोर मचाया, मैं आपसे पूछता हूँ, नोटबंदी के बाद मंदी नहीं आई, नोटबंदी के बावजूद भी अभी इस महीने का आज ये 20वां दिन है, इन 20 दिनों में और पिछले महीने के जो 20 दिन थे, अब ये महीना भी बीत गया पूरा ही गिन लो आप, पिछला महीना पूरा और ये महीना, पिछले महीने से इस महीने में जिनकी सेल बढ़ी वो हाथ उठाओ जरा, चिकित्सालय वाले, आरोग्य केंद्र वाले, डिस्ट्रीब्यूटर जो भी है, पिछले महीने से इस महीने की जो सेल खड़ी हुई एक बार खड़े हो जाओ, देश के लोग भी देख लेंगे कि भाई ये
जरा एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजा लो। थोड़ी देर खड़े रहो आप लोग। मैं इसलिए आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ, कुछ लोग पूरे देश में अफवाह फैलाने में लगे हैं, अरे साहब नोटबंदी के बाद तो मंदी आ गई, देश की अर्थव्यवस्था ठप्प हो गई। ठप्प नहीं होगी, जो अच्छा काम कर रहे हैं उनकी अर्थव्यवस्था बढ़िया चल रही है। बैठ जाओ, जोरदार तालियां बजाओ इनके लिए। आप कहेंगे बाबा जी आपने बढ़ने वालों का तो पूछ लिया, जिनकी घटी वो भी बता दो। देखो 10% तक यदि आपका मंदी आई है तो वो आपकी असावधानी से आई है, आपने मेहनत करने में कमी रखी होगी। जिनकी 10% से ज्यादा मंदी आई है वो हाथ उठाना। 10% से ज्यादा मंदी 1, 2, 3, 4, 5, 7 की है। चलो इनके लिए ताली मत बजाओ। ये तो सामान्य बात है, आपको अतिरिक्त पुरुषार्थ करना पड़ेगा। भैया अभी तक यदि आप 400 दुकानों पर सामान दे रहे थे तो 500 पर दो। मेन रोड की दुकानों पर आप सामान दे रहे थे पतंजलि का, तो सड़क गली वाली में भी दे दो। जरा अब तक तहसील वाले डिस्ट्रीब्यूटर यदि अपने तहसील और बड़े गांव में दे रहे थे तो थोड़े छोटे गांव में भी चले जाओ। जिन लोगों ने अपनी सेवाओं का विस्तार दिया है उनके मंदी नहीं उनकी तेजी आ गई है, और मंदी में तेजी लाना यही तो है पतंजलि का काम। धारा के विपरीत चलते हैं हम, और ऐसा करके दिखाना है हमको, और इसीलिए मैं मीटिंग लेने के लिए आया हूं हमको, क्योंकि नोटबंदी का मंत्र ये पतंजलि के लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं के संकल्प से पूरा हुआ है, इसलिए इसको कामयाब बनाना उनका कर्तव्य है। अब क्या करना है इसमें, इसमें आपको इन्वेस्टमेंट पूरा करना पड़ेगा, जो 7 दिनों के भीतर भीतर। अब क्योंकि अब अभी मंदी के दौर में सारी विदेशी कंपनियों ने अपनी एड कैंपेन वापस ले ली है, और हमने ये तय किया है कि अब जब सारी दुनिया अपनी एड कैंपेन वापस ले रही है तो पतंजलि अपना एड कैंपेन चलाएगा और सारी दुनिया में तहलका मचाएगा। जो दुनिया करे उसे उल्टा करना है हमको, शुरू से हमने यही काम किया है। दुनिया कहती है गृहस्थी में रहो, शादी ब्याह करो, हमने कहा हम शादी ब्याह नहीं करेंगे। दुनिया कहती है बाबा हो गए तो अपने आराम से हाथ पर हाथ धरे बैठे रहो, राम नाम जपना पराया माल अपना, बाकी दुनिया झूठा सपना। हमने अकर्मण्यता को संन्यास नहीं माना, हमने कहा हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए लेकिन हम देश के लिए वो सब कुछ करेंगे जिससे मेरा देश परम हो, वैभवशाली बने, सबके जीवन में खुशहाली आए। हमने संन्यास की परिभाषा को बदल तो नहीं दिया, सही अर्थों में घटित करके दिखा दिया। संन्यास की जो तथाकथित परिभाषा थी हमने उसको विपरीत कार्य किए। आपको मैं इसलिए बातें कह रहा हूं, अब आपको जो बात बताई गई जो 7 दिनों में अब अपना पूरा इन्वेंट्री का प्रबंध नहीं करेंगे तो अभी उनके लिए मंत्र है अभी नहीं तो तुम सम्मिले बाजाओ। बातें सारी मानते हो बाबा की लेकिन ढाक के वही 3 पात, आप प्रबंध करके आ जाइयो, तब तक के लिए आपके हो सकता है जो एक वर्टिकल का डिस्ट्रीब्यूटर है वो यदि डबल पूंजी लगाने के लिए तैयार है तो उसको दूसरा वर्टिकल भी दिया जा सकता है। अब इसमें जिनकी संभावना बढ़ी है पूंजी लगाने की बड़ी है वो खुश हो गए जोर से ताली मार रहा है। देखो ये तो करना पड़ेगा, हमको हारना नहीं है, हम हारने के लिए पैदा नहीं हुए, हम इस धरती पर जीतने के लिए पैदा हुए। तो आप भी क्यों नहीं ऐसे सोचते, आप कहेंगे बाबा जी वैसे मंदी का दौर है अब इसमें पूंजी कौन देगा, अभी पूंजी मिलेगी क्योंकि सबकी पूंजी बैंक में, अब आपको पूंजी पूरी मिलेगी इससे बढ़िया बैंकों से कर्ज लेने का और कोई वक्त नहीं है। अभी देखना यदि जिनको 12% पर ब्याज मिल रहा था उनको 7-8% पर ब्याज मिलेगा, ये मेरी भविष्यवाणी नहीं है, देश की हकीकत है, घट जाएगा अपने आप, कोई दिक्कत नहीं। अरे अब पूंजी नहीं मिलेगी तो कब मिलेगी, अब तो लोग पैसे लगाने के लिए घूमते फिर रहे हैं, हमारे ले लो अच्छा आप ईमानदारी से बताओ बाजार में अभी उधार कम हुई कि नहीं हुई
बोले बाबा जी एक तो खुदा तो कम हो गई जो बोले अगले महीने के भी ले जाओ तो अरे इतना बढ़िया मौका है, आगे बढ़ो। इसका मतलब ये नहीं कि कहीं काले धन वालों का पैसा ले लेना। इसका मतलब देखो, मेहनत की कमाई, ये कोई ना कोई आप भ्रष्टाचार कर रहे हो, ना कोई आप जो इलीगल माइनिंग कर रहे हो, ना कोई आप ठेकेदारी कर रहे हो, ना कोई और दूसरा तीसरा कहीं रिश्वतखोरी कर रहे हो। ठीक है, आपको अब मैं इसलिए बोल रहा हूं ये बात जो है, ये युद्ध है। और मैंने कहा इस युद्ध में वो जो कमजोर योद्धा हैं उनसे हम इस युद्ध को नहीं जीत सकते। और इसमें आपके लिए सीधा सीधा आपको 7 दिन में अपनी इन्वेंट्री मेंटेन करनी है। एसडी और इसलिए सीएनएफ वाले यहाँ पर बुलाए गए हैं कि जितने भी चिकित्सालय हैं, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, इनको भर दो ठोक ठोक के यहाँ तक। जब ऊपर से ठोकेंगे तब ये भागेंगे। इनके जब गोदाम पूरे भरे मिलेंगे, और जिनके गोदाम नहीं है चाहे अपने घर में रखो, रखना पड़ेगा, चाहे पड़ोसी के घर में रखो, चाहे अपना गोदाम छोटा पड़ रहा है तो दूसरा टेम्परेरी किसी के यहां ले लो, आपको सामान जाएगा सीएनएफ और एसडी से, और आपको रखना पड़ेगा। नहीं रखोगे तो आपको जाना पड़ेगा। क्यों भाई? अरे भाई हम इतना हम पागलों की तरह लग रहे हैं। अभी आप एड कैंपेन आप देखेंगे, अभी बिस्किट खाऊंगा उधर ढूंढ जाता है तो 10 दुकान ढूंढता है, तब उसको जाकर के बिस्किट मिलता है। वो लगाता है मैं दंत कांति लगाऊंगा, उधर जाकर के देखता है तो सामने कोलगेट के दर्शन होते हैं। इनके सबके गेट बंद करने हैं आपको। जहां देखो वहां दंत कांति नजर आए, जहां देखो वहां केश कांति नजर आए, जहां देखो वहां पतंजलि का आडा न्यूट्रल नजर आए, जहां देखो वहां पर पतंजलि का मस्टर्ड ऑयल नजर आए, जहां देखो वहां पर पतंजलि के जूसे, जहां देखो वहीं पर पतंजलि के नेचुरल बेवरेजेस, पतंजलि के नेचुरल फूड, नेचुरल कॉस्मेटिक, होम केयर, जहां देखो चारों तरफ आपको ऐसा वातावरण बना देना है जिधर देखो उधर ही उधर पतंजलि ही पतंजलि नजर आए। ये काम आपको करके दिखाना है। बोले बाबा जी इतनी तेजी से चलेंगे, बड़ा मुश्किल काम है। क्यों मुश्किल है भैया? तो अकल नहीं है क्या? दिमाग नहीं है तो हमसे ले ले। काम करना पड़ेगा, इमरजेंसी में करना पड़ेगा। जैसे रातों रात मोदी जी ने 12 बजे नोटबंदी शुरू की ना, रात को 12 बजे से 8 बजे घोषणा कर दी और 12 बजे से बंद। अब लोग उसी दिन अब लेके कहाँ जाए 8 बजे? अब आपको इसको कहते हैं एक युद्ध की तरह काम को करना पड़ेगा। तो ये इसलिए सीएनएफ को बुलाया यहां पर, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटर्स को बुलाया, इसलिए चिकित्सालयों को बुलाया। चिकित्सालय वालों को अपना स्टोर मैनेजमेंट करना पड़ेगा। अब लोग चिकित्सालयों में भी जा रहे हैं, आपको जिनको थोड़ी सी अभी असुविधा है, अभी उनको थोड़ा ये कौन कार्ड मशीन लगानी पड़ेगी, अभी बैंक वाले थोड़ी फुर्सत में आ जाएंगे, 2-4 दिन में लगा देंगे। आपको तैयारियाँ करनी पड़ेंगी। देखो सबको, अब ये मीटिंग में क्यों लेने के लिए आया हूँ मैं, सुबह से शाम तक मेरे पास में 18 घंटे का समय होता है, और एक एक दिन का समय मेरे लिए यदि उसका आर्थिक दृष्टि से मूल्यांकन करें तो उसकी करोड़ों रुपए की कीमत है। मैं खुद क्यों आया हूँ? मैं इसलिए आया हूँ आपको बताने के लिए कि जो हमारे साथ चलेंगे हम उनके साथ ही, ये 50,000 करोड़ की, ये 1,00,000 करोड़ की, और आगे 1,00,000 करोड़ से ज़्यादा की भाषा इस देश को समझ में नहीं आती है, क्योंकि 1,00,000 करोड़ के बाद में गिनती ही 99% लोगों को नहीं आती है। 1,00,000 करोड़ के बाद में कितनी गिनती होती बताइए? आप लोग पढ़े लिखे बैठे हो तब जाकर के आपकी ये हालत हो रही है कि 1,00,000 करोड़ के बाद कितनी होगी। 1,00,000 करोड़, 1,00,000 करोड़ के बाद सीधा 2,00,000 करोड़ बता रहा है बावड़ा। तो ये इस देश की हालत है, इसलिए हम अभी तो 1,00,000 करोड़ के बाद में 2,00,000 करोड़ होने में 100% का अंतर है मेरे भाई। तो वो दो
अब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि हमने जब 10,000 करोड़ बोला तो ही पूरे देश में, पूरी दुनिया के मीडिया के अंदर चला, बाबा 100% की ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अगले साल 100 नहीं 200%, उससे अगले साल 300% की ग्रोथ के साथ आगे बढ़ेंगे। अभी कुछ को तो यही नहीं पता कि 100% की ग्रोथ कितनी होती है और 200-300 कितनी होती है, क्योंकि कोई कोई मेरी तरह से पुराने ज़माने के हैं। वैसे मैं पुराने ज़माने का ज़रूर नहीं, लेकिन नए ज़माने की सारी बात जानता हूँ मैं। तो उनको 2-3 गुना बोलो तो समझ में आता है, 2 गुना बोलो तो समझ में आता है, 100% बोलो तो उनको समझ में नहीं आता। बोले ये 100% क्या होता है? आप लोगों को 2-3 साल के बाद पूरी दुनिया के जितने भी मैनेजमेंट स्कूल हैं वहाँ पतंजलि की ही केस स्टडी पढ़ाई जाएगी। ये इतिहास पतंजलि बना रहा है और बनाए। अब इसमें आपको साथ, अरे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो ये अभी बोल रहे हैं हमारे भाई कि जो है कोलंबिया की यूनिवर्सिटी है, कोलंबिया सेंट मेरीज कॉन्वेंट कोलंबिया, वहाँ से इनके पास ईमेल आए कि हम आपका ये जो पतंजलि है इसके ऊपर इनका कोई संपर्क मूल मिल गया होगा, हम इसके ऊपर स्टडी करना चाहते। पूरी दुनिया की हालत है। आप लोग जिस काम को कर रहे हो, ये जो है छोटा दिमाग साइड में रखो, थोड़ा बड़ा सोचो, इसलिए बैठक बुलाई है। आपको बड़ा सोचना ही पड़ेगा, साथ में चलो। नहीं चल सकते तो 2 वर्टिकल ले रखे हैं तो 1 कर दो, 4 ले रखे हैं तो 2 कर दो, 2 भी नहीं संभाले जाए तो 1 ले लो, और 1 भी नहीं संभाले जा रहा है तो इसको दूसरे को सौंप दो। भैया मेरे नहीं चाहे, मेरे पैर थोड़ा लंगड़ा हो गया, तू ही आगे बढ़ रहा तो तू ही चल ले, आपको करना तो पड़ेगा। तो आज मैं आपको दोनों तरह की बात कह रहा हूं, हम किसी भी कीमत पर आपको साथ में लेकर के इस युद्ध को जीतना चाहते हैं, और यदि आपने साथ नहीं दिया तो भी हम इस युद्ध को जीतना चाहते हैं। फिर हमें साथ तो लेना पड़ेगा किसी किसी को। तो हमने, हमारा ये संकल्प है और हमारा ये ट्रैक रिकॉर्ड है कि जिसका हमने साथ लिया है और जिसका हमने साथ दिया है उसका हमने साथ नहीं छोड़ा कभी भी। लेकिन ये आपको भी तो तय करना पड़ेगा कि आपको गति में गति मिला करके एक मति होकर के चलना पड़ेगा। जब तक एक गति और एक मति नहीं होगी तब तक कैसे हमें अपनी मंजिल मिलेगी, आपको सोचना तो पड़ेगा। तो चाहे हमारे चिकित्सालय हैं, चाहे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, क्योंकि लोग परेशान, हमको लोग उलाना देते हैं जहां भी जाओ, बाबा जी आप इतना विज्ञापन कर रहे हो, चारों तरफ इतना अवेयर कैंपेन कर रहे हो, आपके ये डिस्ट्रीब्यूटर्स हमें माल नहीं देते। हमारे यहाँ, हमारे सामने, हमारे घर के सामने, आदमी अपने घर के सामने की दुकान से सामान लेना चाहता है। जिसको पूरा सामान लेना हो वो चिकित्सालय, आरोग्य केंद्र और मेगा स्टोर पर आना चाहता है। मेगा स्टोर वाले खूब बढ़ेंगे, मैं आज कह रहा हूँ वो 2-3-5 गुना मेगा स्टोर भी बढ़ेंगे। जी आज जिनकी 1 लाख की सेल है उनकी 2 लाख की 3 लाख की सेल होगी, जिन चिकित्सालयों की सेल आज 15 लाख की है उनकी सेल 50 लाख की भी होगी। उनको कोई कमी, अलग अलग तरह का जो है व्यक्ति एक माइंड सेट लेकर के घर से बाहर निकलता है। जिसको पतंजलि के 25 प्रोडक्ट खरीदने हो वो रिटेलर के पास नहीं जाता, वो सीधा पतंजलि चिकित्सालय मेगा स्टोर ही आता है और आगे भी आएगा। इसलिए आप परेशान मत होइए, हम पर भरोसा कीजिए, हम आपके अभिभावक हैं, आपसे हम पिता तुल्य गुरु तुल्य प्रेम करते हैं, आपको अपने आध्यात्मिक संतानों के रूप में देखते हैं, इसलिए आपका अहित कभी भी नहीं सोच सकते स्वप्न में भी। इसलिए हम पर भरोसा कीजिए ना, हम आपके सामने बैठे हुए और आपके हित के लिए बैठे हुए। जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको भी, तो जितने भी SDS जितने भी CNF हैं उनको जो मिनिमम इन्वेंट्री का उसको फुलफिल करना, क्योंकि जाकर के देखो डिस्ट्रीब्यूटर्स की हालत खराब है, कहीं जाके देखो किसी किसी चिकित्सालय की हालत खराब है, वो ठीक नहीं, वह अपने लिए शोभनीय नहीं है। जित उद्देश्य के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट से लेकर के पूरे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके बारे में सारी बातें बता चुके हैं, चाहे आपका इन्वॉल्वमेंट है, आपको खोना पड़ेगा उसमें पूरा। जब तक हम एक जुनून में, एक पागलपन में नहीं आते, एक उन्माद में नहीं आते, जब तक हमारे रोम रोम में वो चीज बस नहीं जाती, तब तक वो सत्य धरती पर घटित नहीं होता है। और मैंने तो इसी को जिया है,
मैं सुबह सुबह योग करता हूँ और अंतिम श्वास तक करूँगा, दिन भर कर्मयोग करता हूँ और सारा कार्य भगवान को साक्षी मान करके, भगवान के दिए हुए ज्ञान, भगवान की रीवी प्रेरणा, भगवान के दिए हुए सामर्थ्य से भगवान के लिए करता हूँ। और मेरा मकसद क्या है? श्रद्धेय आचार्य भाषण जी और स्वामी रामदेव हम भगवान के यंत्र के रूप में आप लोगों के सामने हैं कि ये कार्य ऐसे भी हो सकता है और इसको इतनी ऊंचाई के साथ लेकर के जाना है कि इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं। तो आप लोग सब जब मुझे सुनते हो तो तैयार हो जाते हो। मैं पूछता हूं तैयार हैं? तो बोलते हैं। अब मैं कंक्लूजन करता हूं। जो लोग काम कर रहे हैं उनका काम खूब बढ़ना है। जो लोग को दिक्कत है, बहुत बार देखो आपको कहा गया है, एक दो बार नहीं कहा गया, चार महीने से लगातार कह रहे हैं, तो भाई अब आपको जो है ये करना ही पड़ेगा। जब आप की 25-50 लाख की पूंजी लगी होगी तो आप बाजार में भी जाएंगे, व्हीकल भी लाएंगे, सेल्समैन भी लगाएंगे, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वॉल्वमेंट, सारी चीज़ें बताई गई आपको, तब जा करके सारी चीज़ें हो जाएंगी। क्योंकि अभी हम जो है नूडल को लेकर के पहले भी हमने कैंपेन चलाई, अभी भी कैंपेन चल रही है, एनर्जी बार को लेकर के जो है इसमें अभी मिल्क बार भी आ रहा है, जो वाइट चॉकलेट के नाम पर जो है उसके अंदर बहुत गंदगी बेच रहे थे लोग, तो अब इसमें मिल्क बार भी आ रहा है। अभी क्या आ रहा है एनर्जी बार के बाद? मिल्क बार। ये मिल्क बार भी आपको इस महीने के अंत तक मिल जाएगा। इसकी बड़ी कैंपेन कर रहे हैं हम लोग, आटा नमक दाल चावल की बहुत बड़ी कैंपेन कर रहे हैं, दंत कांति की बहुत बड़ी कैंपेन कर रहे हैं, मस्टर्ड ऑयल की बहुत बड़ी कैंपेन कर रहे हैं, और अभी बहुत जल्दी ही इस महीने के अंत तक पूरे हिंदुस्तान में फिजिकल रिफाइंड ऑयल भी पहुंच जाएगा, राइस ब्रांड ऑयल से लेकर के, और इसमें ये सनफ्लावर, मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल, तिल का तेल, जो भी स्वास्थ्य के लिए हेल्दी तेल हैं, ये भी ऑयल इंडस्ट्री में पतंजलि का एक बहुत बड़ा अब कदम आगे बढ़ने वाला है। आपको एक एक, और ये अकेला अगले साल तक तो 5,000 करोड़ का तो अकेला एडिबल ऑयल का पतंजलि का ब्रांड होने वाला है। आप कहां खड़े हो? अकेला एडिबल ऑयल 5,000 करोड़ का होने वाला है।